20 अक्टूबर 1962 की एक शाम मीनू मसानी के घर एक प्राइवेट पार्टी का आयोजन था। मीनू मसानी लोकसभा में स्वतंत्र पार्टी के लीडर हुआ करते थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी में बतौर मुख्य अतिथि निमंत्रण मिला था और उस शाम वो नागा जनजाति की भारत से अलग राज्य की मांग पर अपनी राय रख रहे थे। गंभीर माहौल के बीच यकायक पार्टी में एक महंगे फ्रेंच परफ्यूम की खुशबू उड़ी तो सबने दरवाजे की ओर देखा। वहाँ आयशा थी, फिरोजी और नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहने हुए। अपनी बादामी आंखों से उन्होंने चारों तरफ देखा तो सब उनके एहतराम में खड़े हो गए। आयशा ने देरी के लिए सबसे माफी मांगते हुए लोगों से बैठ जाने को कहा और खुद भी वहीं दरी पर बैठ गईं। अपनी किताब बुक ऑफ अनफॉरगेटेबल वुमेन में खुशवंत सिंह लिखते हैं, इसके बाद आयशा ने एक सुनहरे डिब्बे से कास्टनी रंग की सिगरेट निकाली और सुलगा ली। सभा ये सब देख ही रही थी कि जयप्रकाश नारायण बोले, देखो जमाना कैसा बदल गया है, एक महारानी आम आदमी के चरणों में बैठी है। इसके बाद आयशा खड़ी हुई और सबके सामने उन्होंने अपनी बात रखी। अंग्रेजी में बोलने के बाद उन्होंने कहा, माफ़ करिए, मेरी पैदाइश बंगाल की है और शादी राजपूतों में हुई है, इसलिए मेरी हिंदुस्तानी थोड़ी तंग है। खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनके पास बैठे एक शख्स ने उनके कान में कहा, इनकी बंगाली और राजस्थानी तो और भी ख़राब है, इन्हें सिर्फ अंग्रेजी या फ्रेंच में बोलना आता है। To you by Cuckoo FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी, आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 23 मई है और आज की तारीख का संबंध है एक महारानी से। शुरुआत से पहले आपको बता दें, इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू FM ऐप। जुलाई है लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर, कुकू FM ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज़ करना है LT50 कोड। इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शन पर ही उपलब्ध है। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक आप देख सकते हैं। आयशा यानी गायत्री देवी का जन्म आज ही के दिन यानी 23 मई 1919 को कूच बिहार राजघराने में हुआ था। उनकी माँ इंदिरा राजे खुद बड़ौदा की राजकुमारी हुआ करती थी। जब आयशा का जन्म हुआ उन दिनों राइडर हैगर्ट की लिखी हुई किताब शी अ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर बड़ी फेमस हुआ करती थी। इसमें एक जादुई रानी का किरदार है। इसी किरदार के ऊपर इंदिरा राजे ने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा था। 12 साल की उम्र थी जब आयशा की मुलाकात जयपुर राजघराने के महाराजा सवाई मानसिंह से हुई और पहली ही नजर में वो 21 साल के महाराजा को दिल दे बैठी। साल 1940 में दोनों ने शादी भी कर ली। इस तरह आयशा बन गई महारानी गायत्री देवी। उस दौर में उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर औरतों में से एक गिना जाता था और वोग मैगजीन ने एक ऐसी ही लिस्ट में उन्हें स्थान भी दिया था। उन्हें पोलो खेलने और शिकार करने का बहुत शौक था। साल 1962 में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और 1,92,000 वोट पाकर चुनाव जीत भी लिया। इतनी बड़ी जीत के चलते उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ। इस चुनाव को जीतने के बाद महारानी गायत्री देवी की राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। 20 अक्टूबर 1962 की शाम का जो किस्सा हमने आपको शुरुआत में सुनाया था, उसकी पहली किश्त उसी दोपहर लिखती गई थी। उस रोज लोकसभा में चीन को लेकर गर्मा गर्म बहस हुई। बॉर्डर पर चीन के अतिक्रमण को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री नेहरू पर हमलावर था और नेहरू किसी तरह अपनी नीतियों का बचाव कर रहे थे। लोकसभा की गैलरी से नजर डालो तो पुरुष सांसदों और महिला सांसदों के बीच फर्क साफ मालूम पड़ता था। कॉलर चढ़ाए ट्रेड यूनियन के नेताओं समेत धोती कुर्ता पहने सांसदों के बीच औरतें सलीके से पहनी साड़ी में नजर आती। सरकार की तरफ वाली बेंच में प्रधानमंत्री नेहरू के अगल बगल बैठी थीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुशीला नायर, उप विदेश मंत्री लक्ष्मी मेनन और उप वित्त मंत्री तारकेश्वरी सिन्हा, जिनके बारे में किस्सा मशहूर था कि एक बार एक अमेरिकी सेनेटर ने उनसे पहली मुलाकात में कहा था, आज तक आपसे सुंदर डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई। सदन में दूसरी तरफ विपक्ष की बेंच पर मौजूद थी गायत्री देवी, जयपुर की महारानी और स्वतंत्र पार्टी की मेंबर। नेहरू चीन के मसले पर बोल रहे थे। बीच में महारानी ने नेहरू को टोकते हुए कहा, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता होता तो आज हम इस मुसीबत में नहीं होते। नेहरू ने सुने को अनसुना करते हुए अपनी बात को जारी रखा। महारानी गायत्री थोड़ी संसदीय भाषा में दोबारा अपनी बात दोहराने लगी। तब नेहरू ने नज़र उठाकर कहा, मैं एक औरत के साथ जबान नहीं लड़ाना चाहता।
नेहरू के साथ गायत्री देवी का राजनीतिक विरोध था, लेकिन जब कांग्रेस की कमान इंदिरा गांधी के हाथ में आई तो यह अदावत पर्सनल हो गई। दरअसल गायत्री और इंदिरा एक दूसरे को बचपन से जानते थे। दोनों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के बनाए पाठा भवन शांति निकेतन स्कूल में पढ़ाई की थी। खुशवंत सिंह लिखते हैं, इंदिरा खुद से खूबसूरत किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक बार सदन में उन्होंने गायत्री देवी को कांच की गुड़िया कहकर बुलाया था। देश की राजनीति के दो ताकतवर परिवार हमेशा एक दूसरे के विरोध में रहे। गायत्री देवी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में हराया था। इंदिरा और गायत्री देवी के रिश्ते को लेकर तब इंडिपेंडेंट अखबार में एक रिपोर्ट छपी थी। गायत्री की सदन में मौजूदगी इंदिरा को बहुत ज्यादा खलती थी। पाठा भवन के दिनों से ही इंदिरा गायत्री के चलते रियासतों के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स से अपने पिता से भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। इमरजेंसी के दौरान दोनों के बीच अदावत खुलकर सामने आई। किस्सा मशहूर है कि इंदिरा ने महारानी को जेल में डालकर जयगढ़ के किले में फौज भेज दी थी। इस किस्से को लेकर कई सारी किंवदंतियां बनी हुई हैं। मसलन ये कि इंदिरा ने सेना को आदेश दिया था कि जयपुर राजघराने के सारे बेशकीमती आभूषण और हीरे जवाहरात जो उन्होंने छुपा कर रखे उन्हें खोद कर लाना है। प्रामाणिक रूप से क्या हुआ था इसके बारे में खुद महारानी गायत्री देवी ने बताया था। असल में ये बात इमरजेंसी से पहले की है, तब तक महारानी गायत्री देवी को जेल में नहीं डाला गया था। इंदिरा जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हो रहे जन आंदोलनों से झल्लाई हुई थी, इसलिए उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए कारोबारी घरानों और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छापेमारी शुरू करवा दी। गायत्री देवी बताती हैं, इन छापेमारियों में ग्वालियर और जयपुर के पूर्व राजघरानों के प्रति विशेष दुराग्रह रखा गया, क्योंकि ग्वालियर की राजमाता और मैं संसद में विपक्ष के सदस्य थे। 11 फरवरी 1975 की बात है, इमरजेंसी लागू होने में अभी 4 महीने बाकी थे। उस रोज राजमाता गायत्री देवी अपनी छत पर नाश्ता कर रही थी, जब एक नौकर ने आकर उन्हें इत्तला की कि कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। गायत्री देवी नीचे पहुंची तो पता चला वो लोग इनकम टैक्स ऑफिसर थे। महारानी गायत्री देवी की मोती डूंगरी वाली प्रॉपर्टी की छानबीन की गई। उनके हर घर, हर ऑफिस, सिटी पैलेस, म्यूजियम, रामबाग पैलेस, होटल, उनके बच्चों के घरों और दिल्ली में सांसद आवास पर भी छापे मारे गए। इसके अलावा जयगढ़ फोर्ट पर भी छापा मारा गया। यहीं से गड़ा हुआ सोना मिलने की कहानियां शुरू हुई। एक दिन जब इनकम टैक्स अधिकारी मोती डूंगरी के आंगन में छानबीन कर रहे थे तो उन्हें जमीन में दबे सोने के सिक्के मिले। इन सिक्कों को राजा मानसिंह द्वितीय ही नाहरगढ़ के किले से मोती डूंगरी लाए थे। जयपुर रियासत का जब भारतीय संघ में विलय हुआ उससे पहले ये सिक्के नाहरगढ़ किले के खजाने में रखे हुए थे। गायत्री देवी बताती हैं, इस सोने का जिक्र जयपुर रियासत के आखिरी बजट में किया गया था और एक एक सिक्के का हिसाब था, लेकिन इसके बाद भी उत्पीड़न जारी रहा। इसके बाद की कहानी किस्सों से ज़रा मुख्तलिफ है। द ट्रिब्यून में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार टैक्स अधिकारियों को जो सोना मिला था उसमें 26 लाख के गोल्ड बिस्किट और शाहजहाँ के वक्त के सोने की मोहरें थीं, जिनकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए थी। इस मामले में 30 साल तक कोर्ट में केस चला, लेकिन चूंकि जयपुर रियासत के पास पूरा हिसाब था इसलिए सिक्के ट्रकों में भरकर कहीं ले जाए नहीं गए, बल्कि जयपुर राजघराने की मिल्कियत ही बने रहे। इसके कुछ महीने बाद जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित करवा दी, तो उसके बाद अपने विरोधियों को जेल भेजना शुरू किया। पूर्व महारानी गायत्री देवी को भी तिहाड़ जेल डाल दिया गया। वहां 5 महीने उन्हें रहना पड़ा। उनके सबसे बड़े बेटे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जो सौतेले थे उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद गायत्री देवी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि जिस देश में एक तानाशाह का राज हो वहां लोकतंत्र की कीमत ही क्या है। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच अदावत ताउम्र जारी रही, यहां तक कि संजय गांधी की मृत्यु पर गायत्री देवी ने इंदिरा को फोन किया लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। 29 जुलाई 2009 को गायत्री देवी की एक बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। आज की तारीख में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।